बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बाहर किचन। आज हम बनाएंगे इफ्तारी के लिए फ्रेश ऑरेंज जूस। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसे अब हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे दो ऑरेंज ले रही हूँ, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसका हम जेस्ट निकाल लेंगे थोड़ा सा, इस तरीके से। देखिए मैंने एक पिंच जितना ऑरेंज जेस्ट निकाल लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर साइड में रख लेंगे। अब ऑरेंज को कट कर लेंगे हम। देखिए मैंने ऑरेंज का छिलका और इसके बीज हटा दिए हैं। इसी तरीके से सभी ऑरेंज के बीज और छिलके हटा देंगे। ये देखिए मैंने दोनों ऑरेंजेस को इसका छिलका निकाल के अलग कर लिया है और गार्निशिंग के लिए एक रिंग जितना ऑरेंज निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून शक्कर डाल रही हूँ। अब इसमें 1/2 कप जितना पानी डालेंगे, डालकर इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए मैंने ऑरेंज को ब्लेंड कर लिया है। अब इसको हम छान लेंगे। एक बोल के अंदर छन्नी रखकर ऑरेंज जूस को छान लेंगे अच्छे से। देखिए हमारे 2 ऑरेंज में कितना सारा जूस निकल चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे 1 चुटकी जितना, और थोड़ा सा काला नमक वो भी 1 चुटकी जितना। अब इसके अंदर ऑरेंज जेस्ट डालेंगे 1 चुटकी जितना, ये भी डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, इसको अब हम सर्व कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक सर्विंग ग्लास ले रही हूँ, इसके अंदर पोर कर देंगे जूस को। देखिए 2 ऑरेंज में 1 ग्लास फुल जूस बन चुका है और थोड़ा बच भी गया है। अब एक ऑरेंज रिंग लेंगे, तो इस तरीके से कट कर लेंगे। अब इसको हम सजा लेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रेश ऑरेंज जूस बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।